नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूँ आशीष। दोस्तों लेकर आए हो आज क्लास 4। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि क्लास 4 ये कम्प्लीटली स्पेशल टेंस पर डिपेंड है। तो दोस्तों स्पेशल टेंस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पेशल टेंस के साथ टू बी फॉर्म्स है, वो है वुड, कैन, कूड, मे, माइट, शुड, मस्ट। दोस्तों इस स्पेशल टेंस में हर एक टू बी फॉर्म पर हमारा लॉजिक सप्लाई होगा, यानी हर एक टू बी फॉर्म के चार चार डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास 4 में देखने वाले है वुड, WOULD, वुड। वुड मतलब होता है तातीते एंड अगर मगर। वुड, इस वुड पर हम हमारा लॉजिक अप्लाई करने वाले हो, और हमारा लॉजिक है सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। दोस्तों आफ्टर अप्लाई दिस लॉजिक कि क्या होगा वुड में, वुड के डिफरेंट चार, वुड नंबर 3 परफेक्ट वुड, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यू वुड। तो ये हमारे चार डिफरेंट टाइप्स बने वुड के। अब चार डिफरेंट टाइप्स में हमारे चार डिफरेंट हिंदी के सेंटेंसेस होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी के सेंटेंसेस दिन बाद में इंग्लिश में भी कन्वर्ट होंगे। तो हमारे वुड में, वुड के चार डिफरेंट टाइप्स में हिंदी के सेंटेंसेस बनेंगे, और देन हम इनको लॉजिक के माध्यम से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉजिक्स बता दूं कि हिंदी में सेंटेंस बनाते वक्त हमको हिंदी में क्या लॉजिक्स होना, और देन इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करते वक्त इंग्लिश में हमको क्या लॉजिक्स होना। तो ये दोनों लॉजिक्स आप चार्ट पर देख सकते हो। सबसे पहले हिंदी वाले दोस्तों, सिंपल वुड में हिंदी का लॉजिक्स होता है तातीते एंड अगर मगर। दोस्तों कंटिन्यू की वुड में हिंदी का लॉजिक्स होता है रहा रहे, लास्ट में होगा तातीते एंड अगर मगर। दोस्तों परफेक्ट में होता है उट का लॉजिक चुका चुकी चुकी और लास्ट में तातीते एंड अगर मगर। देन परफेक्ट कंटिन्यू में होगा तेया एंड रहा रही रहे और लास्ट में तातीते एंड अगर मगर। तो ये था हमारा हिंदी का लॉजिक। अब दोस्तों देखते बाजू में इंग्लिश में जो लॉजिक्स आपको दिख रहे, इंग्लिश के लॉजिक्स होगा सिंपल वुड में वुड प्लस V1, देन कंटिन्यू वुड में होगा वुड बी प्लस V4, देन परफेक्ट वुड में होगा वुड हैव प्लस V3, देन परफेक्ट कंटिन्यू में वुड के परफेक्ट कंटिन्यू में लॉजिक्स होगा वुड हैव बीन प्लस V4। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों चार्ट एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब हम हिंदी वाले सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। फर्स्ट सिंपल पर, देन कंटिन्यू पर, देन परफेक्ट पर, देन परफेक्ट कंटिन्यू पर। तो सबसे पहले हम लेंगे सिंपल वुड। तो दोस्तों सिंपल वुड का लॉजिक क्या हमारा हिंदी का, तातीते एंड अगर मगर। आइए दोस्तों देखते हैं हमारे वो चार सेंटेंसेस जो हम बोलने वाले हैं। सबसे पहले आप गौर करके देखिए कि बिल्कुल तातीते एंड अगर मगर सिंपल वुड के हिसाब से अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे। फर्स्ट, मैं खाना खाता अगर मेरे पास पैसे होते। नंबर 2, मीना स्कूल जाती अगर उसके पास साइकिल होती। नंबर 3, तुम दरवाजा खोलते अगर तुम्हारे पास चाबी होती। नंबर 4, वो टीवी देखता अगर उसके पास टीवी होती। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमारा सिंपल वुड में तातीते एंड अगर मगर अप्लाई हुआ। ठीक है, हाँ। तो अब दोस्तों इन हिंदी वाले सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले। तो इंग्लिश में सिंपल वुड के लॉजिक क्या है हमारे, वुड प्लस V1। वो क्या है, वुड प्लस V1। आइए दोस्तों अप्लाई करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस, मैं खाना खाता अगर मेरे पास पैसे होते, तो इंग्लिश में कैसे होगा, आई वुड ईट अ मील इफ आई वुड हैव अ मनी। देन मीना स्कूल जाती अगर उसके पास साइकिल होती। मीना वुड गो टू स्कूल इफ शी वुड हैव अ साइकिल। नंबर 3, तुम दरवाजा खोलते अगर तुम्हारे पास चाबी होती। You would open the door if you would have a key. वो टीवी देखता अगर उसके पास टीवी होती। If he would have a TV. दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमने सिंपल में सबसे पहले हिंदी बनाए और देन लॉजिक के माध्यम से इंग्लिश में कन्वर्ट किए। तो अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कंटिन्यू वुड। तो सबसे पहले कंटिन्यू वुड का हिंदी का लॉजिक आपको बता दू। बीच वाला, मिडल वाला क्या है, रहा रही रहे, लास्ट में तातीते एंड अगर मगर। गौर करके ध्यान दीजिए, अब मैं हिंदी में बोलूंगा। नंबर 1, मैं खाना खा रहा होता अगर मेरे पास पैसे होते। नंबर 2, मीना स्कूल जा रही होती अगर उसके पास साइकिल होती। नंबर 3, तुम दरवाजा खोल रहे होते अगर तुम्हारे पास चाबी होती। एंड नंबर 4, वो टीवी देख रहा होता अगर उसके पास टीवी होती। अब इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। प्लस V4 क्या है, वुड बी प्लस V4। आइए दोस्तों अप्लाई करते हैं। नंबर 1, मैं खाना खा रहा होता अगर मेरे पास पैसे होते। आई वुड बी ईटिंग अ मील इफ आई वुड हैव अ मनी। नंबर 2, मीना स्कूल जा रही होती अगर उसके पास साइकिल होती। मीना वुड बी गोइंग टू स्कूल इफ शी वुड हैव अ साइकिल। नंबर 3, तुम दरवाजा खोल रहे होते अगर तुम्हारे पास चाबी होती। वुड बी ओपनिंग द डोर इफ यू वुड हैव अ की। लास्ट, वो टीवी देख रहा होता अगर उसके पास टीवी होती। इंग्लिश में कैसे होगा, ही वुड बी वॉचिंग अ टीवी इफ ही वुड हैव अ टीवी। दोस्तों आई होप ये भी आप समझ गए होंगे
कि किस तरह सबसे पहले हमने हिंदी में कन्वर्ट किए और हिंदी के इंग्लिश में लॉजिक के माध्यम से। अब दोस्तों देखते हैं परफेक्ट वुड। दोस्तों परफेक्ट वुड का लॉजिक क्या है हिंदी का? बीच का है चुका चुकी चुक और लास्ट में है ताती त्या नगर मगर। ध्यान दीजिए अब हम बनाते हिंदी में। फर्स्ट, मैं खाना खा चुका होता अगर मेरे पास पैसे होते। देन, बिना स्कूल जा चुकी होती अगर उसके पास साइकिल होती। नंबर थ्री, तुम दरवाजा खोल चुकी होती अगर तुम्हारे पास चाबी होती। एंड नंबर फोर, वो टीवी देख चुका होता अगर उसके पास टीवी होती। अब इन हिंदी वाले सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले। तो दोस्तों परफेक्ट वुड का इंग्लिश का लॉजिक क्या है? वो है वुड हैव प्लस वी थ्री। वुड हैव प्लस वी थ्री। आइए दोस्तों बनाते हैं। मैं खाना खा चुका होता अगर मेरे पास पैसे होते इंग्लिश में। आई वुड हैव ईटन अ मील इफ आई वुड हैव अ मनी। नंबर टू, मीना स्कूल जा चुकी होती अगर उसके पास साइकिल होती। मीना वुड हैव गॉन टू स्कूल इफ शी वुड हैव अ साइकिल। नंबर थ्री, तुम दरवाजा खोल चुकी होती अगर तुम्हारे पास चाबी होती। यू वुड हैव ओपन द डोर इफ यू वुड हैव अ की। लास्ट, वो टीवी देख चुका होता अगर उसके पास टीवी होती। He would have watched a TV if he would have a TV. दोस्तों आप ये भी समझ होंगे कि किस तरह इनको हमने हिंदी के इंग्लिश में कन्वर्ट करे। दोस्तों अभी लास्ट बचा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यू वुड का, उनमें हम हिंदी में बना लेते। तो परफेक्ट कंटिन्यू वुड का हिंदी का लॉजिक क्या है दिख रहा होगा दोस्तों आपको। वो है ते आ एंड रह रही रहे बीच में और लास्ट में होगा ताती त्या नगर मगर। देखिए दोस्तों हम बनाने वाले अभी। तो परफेक्ट कंटिन्यू वुड का इंग्लिश का लॉजिक क्या है देखते हैं। वुड हैव बीन प्लस वी फोर ये अप्लाई करने वाले हैं। देखिए दोस्तों कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट, मैं खाना खाते आ रहा होता अगर मेरे पास पैसे होते। आई वुड हैव बीन ईटिंग अ मील इफ आई वुड हैव अ मनी। सेकेंड, मीना स्कूल जाते आ रही होती अगर उसके पास साइकिल होती। मीना वुड हैव बीन गोइंग टू स्कूल इफ शी वुड हैव अ साइकिल। तुम दरवाजा खोलते आ रहे होते अगर तुम्हारे पास चाबी होती इंग्लिश में कैसे होगा? यू वुड हैव बीन ओपनिंग द डोर इफ यू वुड हैव अ की। एंड लास्ट, वो टीवी देखते आ रहा होता अगर उसके पास टीवी होती कैसे होगा? ही वुड हैव बीन वॉचिंग अ टीवी इफ ही वुड हैव अ टीवी। दोस्तों इस तरह हमने हिंदी के सेंटेंसेस इंग्लिश में कन्वर्ट करे, पर पूरा का पूरा ओवरऑल कंसेप्ट लॉजिक पर आधारित था कि किस तरह वो हिंदी के लॉजिक सिंपल से लेके कंटिन्यू तक हमने देखे और देन उनको हिंदी में बनाए। देन बाद में किस तरह वो सिंपल के कंटिन्यू तक इंग्लिश के लॉजिक्स हमने देखे और देन इंग्लिश में कन्वर्ट करे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास फोर। तो आज का ये जो हमारा क्लास फोर था वो यही समाप्त होता है। तो ऐसे हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते रहेंगे। सो फॉर मोर सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।